Hey, this is Bunit and welcome back to my channel. I really hope you are doing absolutely good at your home. अगर आपने पहले कभी कोरियन ड्रामा नहीं देखा और आपका इतना सब इंटरेस्ट है कोरियन ड्रामा देखने में, तो स्टार्टअप बेस्ट वेब सीरीज है कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या है इसमें और इसकी स्टोरी क्या है। तो इसके टाइटल से हमें आइडिया लग जाता है कि ये किसके बारे में, एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स के बारे में जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है सोडालमी, वो एक स्ट्रगलिंग यंगस्टर होती है। सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर भी वही है, वो हर एक सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करती है। जो मेन मेल कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है डोसान, वो जीनियस होता है बट फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक स्टार्टअप भी स्टार्ट करता है फ्रेंड्स के साथ मिलके, बट उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं। हांजीपियोंग जो कैरेक्टर है उसको बिजनेस की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है स्टार्टिंग से ही। वो स्टार्टअप्स को ब्रूटली बता देता है कि वो आगे जाके सक्सेस होंगे या नहीं, वो उनकी कमियां उनके सामने ही बता देता है चाहे उनको कितना भी बुरा लगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वोनिंजे, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और उसको बिजनेस की काफी अच्छी नॉलेज होती है। वो सोडालमे की बड़ी बहन है बट उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, और सोडालमे उससे आगे निकल के उससे प्रूव करना चाहते हैं कि वो उससे ज्यादा अच्छी है। सोडालमे के पेरेंट्स का चाइल्डहुड में डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद सोडालमे अपने पापा के साथ रहती है और वोनिंजे अपनी मम्मी के साथ, और जो हांजीपियोंग है उसे भी सोडालमे पसंद होती है। ये स्टोरी इसी के अराउंड चलती है कि कैसे स्टार्टअप कंपनी ग्रो करती, क्या वो सक्सेसफुल हो पाती या नहीं, और सोडालमे दोनों में से किसे चुनेगी, जिसे उसे पहला प्यार था, जिसने उसे लव लेटर लिखे, या जो अभी उससे प्यार करता है। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको लास्ट तक एकदम बांध के रखती है। कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। और इसके 16 एपिसोड्स हैं, ईच एपिसोड ऑलमोस्ट 1 आवर का है। तो इसका म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी है, और जो मेन कैरेक्टर्स की एक्टिंग है वो भी काफी सही है, और जो साइड कैरेक्टर है उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल काफी अच्छा ड्रामा है। अगर आप यंगस्टर हो तो ये आपको काफी इंस्पायर करेगा और आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाओ, तो आपको मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। और अगर आप देखो और आपको पसंद आए या आपने ऑलरेडी ये देखा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप चाहते हो कि आगे भी अगर मैं कोरियन ड्रामा के बारे में वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।